हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वरिष्ठ वकील रहे राम जेठमलानी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। 95 साल के जेठमलानी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उनकी गिनती देश के नामचीन क्रिमिनल वकीलों में की जाती रही है। जेठमलानी मुकदमों के अलावा अपने बयानों की वजह से भी अक्सर चर्चा में रहते थे। जेठमलानी ने 17 साल की उम्र में ही वकालत की डिग्री हासिल कर ली थी। तब नियम में इस में संशोधन कर उन्हें 18 वर्ष की उम्र में प्रैक्टिस करने की इजाजत भी दी गई थी, जबकि नियम अनुसार प्रैक्टिस की उम्र सीमा 21 वर्ष थी। जेठमलानी वकालत के अपने करियर में जो प्रमुख केस लड़े उनमें नानावटी बनाम महाराष्ट्र सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, हाजी मस्तान केस हवाला स्कैम, मद्रास हाईकोर्ट आतंकी अफजल गुरु का मामला शामिल है। और इसी के साथ ही जेठमलानी ने बाबा रामदेव, राजीव गांधी के हत्यारों लालू यादव, जयललिता और जगन रेड्डी की पैरवी भी की थी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद राम जेठमलानी ने आखिरी सांस ली, अंतिम सांस ली, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर 1923 को पाकिस्तान में सिंध में हुआ। पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं। जेठमलानी की गिनती देश के नामचीन क्रिमिनल वकीलों में की जाती रही है। मुकदमों के अलावा अपने बयानों की वजह से भी वो अक्सर चर्चा में रहे। जेठमलानी ने 17 साल की उम्र में ही वकालत की डिग्री भी हासिल की। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का निधन हो गया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको यह जानकारी दे दें। तो नियमों में संशोधन कर उन्हें 18 वर्ष की उम्र में ही प्रैक्टिस करने की इजाजत दी गई थी। जेठमलानी 2017 में वकालत के करियर से शुरुआत की और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद राम जेठमलानी ने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 14 सितंबर 1923 को पाकिस्तान में सिंध के शिकारपुर में हुआ था। पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी वो रह चुके हैं। जेठमलानी की गिनती देश के नामचीन क्रिमिनल वकीलों में की जाती रही है और मुकदमों के अलावा अपने बयानों की वजह से भी वो अक्सर चर्चा में रहे हैं। जेठमलानी ने 2017 में वकालत में अपना एक अलग नाम कमाया। उन्होंने लंबी बीमारी के बाद, हालांकि उनका निधन हो गया, वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का निधन। उनका जन्म 14 सितंबर 1923 को पाकिस्तान के सिंध के शिकारपुर में हुआ। पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी वो रह चुके हैं। जेठमलानी की गिनती देश के नामचीन क्रिमिनल वकीलों में भी की जाती रही है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं, ये दुखद खबर। मुकदमों के अलावा अपने बयानों की वजह से भी वो अक्सर चर्चा में रहे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। जेठमलानी ने 17 साल की उम्र में ही वकालत की डिग्री हासिल की।
चलिए रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेखा अग्रवाल जी, बेहद दुखद खबर, राम जेठमलानी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। लगता है कि वकालत के इस सफर में आपने भी कई पल ऐसे उनके साथ साझा किए होंगे, तो कैसे आप देखती हैं उन पलों को, याद कैसे किया जा रहा है? मिस्टर राम जेठमलानी के बारे में याद करते हैं और जिनको प्यार से लोग राम भी बोलते थे, वो जी इतने मतलब मतलब खुले उनके उनके थॉट्स थी कि वो इतनी उम्र में होने के बाद में भी उनसे बहुत कम उम्र के लोग भी उनको राम के नाम से बोलते थे, उनको अच्छा लगता था। और बहुत ही उनके बारे में क्या कहें, जो उनका जो ज्ञान था कानून के बारे में जो ज्ञान था, और जो साथ साथ कोर्ट में अपने केस को मुवक्किल के जो केस को पेश करने का जो तरीका था, उनकी तरह का कोई और हो ही नहीं सकता। किस दिलचस्पी के साथ और किस करारे ढंग से वो दूसरे साइड का जो केस था उसको खत्म करते थे और अपने अपने मुवक्किल के केस को आगे रखते थे। और बहुत ही खुश मिजाज थे, बहुत ही मजाकिया भी थे जी। और बहुत ही बढ़िया तरीके से कोर्ट के अंदर बहस करते थे कि ऐसा लगता नहीं था कि जीवन के अंदर कभी कोई भी अगर कोई मुवक्किल उनको अपना वकील बनाता है जी तो कभी वो ये सोचे कि मैंने ये गलत निर्णय लिया, यू नो कि मैंने जी इनको क्यों किया, ये ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि वो कुछ भी हो अपने क्लाइंट के केस को बहुत अच्छी तरीके से पेश करते थे और उनके ज्ञान के बारे में तो जैसे कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। और बहुत ही दुख की बात है, मतलब एक स्टॉलवर्ट थे, जैसे कानूनी जो प्रोफेशन जी है वकील के प्रोफेशन के अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़े स्तंभ थे, एक जी बहुत बड़े स्तंभ। और कुछ पॉलिटिकल जो थी राजनीतिक बातें भी बीच के अंदर आई और जिस तरीके से वो उन चीजों में कमेंट भी करते थे और उनके साथ साथ अपने आप को अलग भी रखते थे, वो बहुत दिलचस्प था। और जी ये ऐसा नहीं लगता कि ऐसा वकील कभी वापस जी हमारी इंडियन कोर्ट के अंदर कभी हम देखेंगे। जी बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल बहुत ही ज्ञानी, और उनके बारे में इनके बात को सुन के बहुत ज्यादा धक्का लगा है, जी लगता है कि बहुत बड़ा स्तंभ हमारे बिल्कुल। और कानूनी देखिए प्रोफेशन रेखा जी, के चले युवाओं गए। के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह रहे, अब हमारे बीच में नहीं है, तो हर किसी इस खबर से आहत हुए, दुखद हुए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और भावनाओं को हम समझ रहे हैं कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये बेहद दुखद है।